देखिए, सुषमा जी का अचानक क्यों चले जाना पार्टी के लिए भारी क्षति है और राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खालीपन उनके जाने से होगा। और सुषमा जी इस देश की संस्कृति की एक धरोहर थी। कितने भी बड़े ओहदे पर रही हों, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका श्रृंगार सब भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ था। हमारे कोई भी त्यौहार हो, तीज का त्यौहार हो तो तीज मनाना, रक्षाबंधन का त्यौहार हो तो अम्बाला में भाई के घर पे जाके केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री रहते हुए भाई को राखी बांध के आना, और पूरे जीवन में हर वर्ष अपने सुहाग की रक्षा के लिए कड़वा चौथ का व्रत करना, मतलब उन्होंने कभी अपनी चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ा। और अचानक हमारे बीच से इस तरह चले जाना हम सबके लिए बहुत दुखदाई है। परसों कश्मीर से जैसे ही धारा 370 को हटाने का फैसला लोकसभा में हुआ, तुरंत प्रधानमंत्री को ट्वीट के माध्यम से उनका अभिनंदन और बधाई देना, और उसके बाद तुरंत ही इस दुनिया से कूच कर जाना समझ में नहीं आता। वो ट्वीट उनका आखिरी ट्वीट हो गया। उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए जिस तरह देश के नागरिकों को विदेशों में उनकी सेवा की, और जो भारत का नागरिक विदेशों में फंस गया उसको किस तरह से अपने देश में वापस लाना, मतलब एक जीती जागती प्रतिमूर्ति थी। और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में एक पार्टी तक अपने दायरे को नहीं रखा, तमाम पार्टियों में उनके चाहने वाले थे। और कल जब उनका अंतिम संस्कार होता, कोई दल ऐसा नहीं था जिसका नेता उनके अंतिम संस्कार में ना हो, यही उन्होंने जीवन में कमाया था। कहीं ना कहीं आखिरी सपना था उनका कश्मीर। देखिए, उन्होंने वही ट्वीट किया कि उन्होंने कहा मेरे जीवन की आखिरी जो इच्छा है आज वो पूरी हो गई, उसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया, धन्यवाद किया कि मेरी जीवन की जो इच्छा थी वो आज पूरी हो गई। और जीवन की इच्छा पूरी होने के बाद वो जीवन से भी विदाई ले गई, ये किसी ने सोचा नहीं था। पूरा देश का कार्यकर्ता स्तब्ध है, पूरी पार्टी के नेता स्तब्ध हैं। ये गहरा सदमा पार्टी के लिए भी है और कार्यकर्ताओं के लिए भी है, परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन हम सब के लिए बहुत बड़ा ये क्षति है। बहन जी, सुषमा जी का अचानक अपने बीच में से चले जाना एक पार्टी को क्षति तो पहुंची है, राष्ट्र को भी। उस महान नेता जो राष्ट्र के लिए सेवा करती थी, अचानक अपने बीच में चले जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। और जब हमारा दो दिन का प्रशिक्षण शिविर सूरज कुंड में लगा, हम जब पहली बार विधायक बन के गए, और उस समय उन्होंने कहा कि कुछ अपने समय में ऐसी याद छोड़ कर जाएं कि जनता आपको याद करे, इसलिए उन्होंने अम्बाला के अंदर गरीबों के लिए एक हाउसिंग कॉलोनी बनाई थी। उन्हीं की बात को समझकर जब दो दिन में हम प्रशिक्षण से निकल कर आया और मन में एक संकल्प किया कि रोहतक के अंदर भी हम अपने समय से कोई ऐसी यादगार बनाएं, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते से आज मैं रोहतक में गुहाना पानी रोहतक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक से लेकर और ओल्ड बस्से तक जो एलिवेटेड शहर को सौगात दी है, और उन महान नेता जिनके साथ डॉक्टर मंगल सेन जी के साथ उन्होंने काम किया था उनके नाम से दी है। आज बहन जी अपने बीच में चले जाना हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत भारी क्षति हुई है, पार्टी को क्षति हुई है और समाज को। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके प्रेरणा से हम सब कार्यकर्ता, जो उनका अधूरा सपना था जो विदेशों में उनके 5 साल में मोदी जी के समय एक पहचान बनी है, खास तौर से मॉडर्न कंट्रियों में भी सुषमा जी ने एक प्यार और स्नेह से एक भारत के साथ जोड़ा है। मैं इन शब्दों से उनके चरणों में